दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया, बहुत ही ज्यादा पैसा कमा लिया इस मूवी ने, लेकिन हमने टोटली मिस कर दिया। आई मीन उसका कोई ट्रेलर नहीं, उसका कोई सॉन्ग नहीं, बहुत ज्यादा धमाल वैसे मूवी ने मचाया है। 400+ crores जहां तक मुझे पता है, सो एक बहुत 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 बड़ी ब्लॉकबस्टर कह लो। हालांकि वो डोंट नो कि इसमें पैसा लगा कितना है, बट स्टिल कितना ही लगा होगा, 400+ crores बहुत ज्यादा होता है। सो मूवी फुल्ली ब्लॉकबस्टर है। इसमें स्टार कर रहे हैं कमल हसन, जो कि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, ना कि सिर्फ साउथ सिनेमा में बल्कि हिंदी सिनेमा में भी। सारे लोग लगभग उन्हें जानते ही हैं, बहुत ही रेयर होंगे जो उनको शायद नहीं पता हो। साथ में विजय सेतुपति और फहद आई थिंक वो थे जो पुष्पा में थे, लास्ट में आए थे, वो सेकंड पार्ट में आने वाले हैं। और जो विजय सेतुपति हैं, ये तो लाइक हमने जो रिसेंट इनकी मूवी देखी है वो देखी है मास्टर। यस मास्टर, बेहतरीन बेहतरीन परफॉर्मेंस, लाइक मजा आ जाता भाई साहब जो भी विलन का रोल किया है। तो यहाँ पे भी आई थिंक विलन का ही रोल होने वाला है, मे बी, वी डोंट नो, क्योंकि हीरो तो कमल हसन है। खैर इसका जो हिंदी ट्रेलर है वो है विक्रम हिटलिस्ट के नाम से, तो विक्रम हिटलिस्ट आई थिंक सिर्फ विक्रम नाम था मूवी का, बट स्टिल देखते हैं कि ये किसके बारे में। हिंदी में हिटलिस्ट नाम ऐड कर दिया हो, हाँ, एड ऑन हो जाते हैं। सो ट्रेलर देखते हैं, वी नो नथिंग अबाउट इट। शायद से थोड़ी गैंगस्टर टाइप है, जिस टाइप का थंबनेल वगैरह है। सो बाकी देखते हैं कि ये किसके बारे में। Here we go. ओके अरे भाई ओहो भाई, पहले से कितना खौफ मचाया हुआ है। ये शायद से विजय सेतुपति, ओ सब बात है। अरे आई एम इन लव विद दिस मैन। आए 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 विजय सेतुपति, इनका रोल सेम लग रहा है जैसे मास्टर मूवी में था। भाई अपने हीरो के मैं बोलने वाला था कि हीरो की एंट्री तो हुई नहीं अभी तक, क्योंकि विलेन ही धूम मचा रहे। क्या बात है, भाई साहब बहुत एक्शन है। अरे गन शॉट बहुत ही तगड़े हैं, अच्छा डायरेक्शन है। ओ क्या बात है, ओ ये तो मुझे वो मुक्का याद आ गया जो मास्टर मूवी में सबको लगाया भाई साहब। नाइस नाइस नाइस, ओ ओ, ओ, ओ। इन ओ क्या बात है, क्या बात है, इंटेंस भाई, पता करना मुश्किल है कि इस मूवी। ये क्या आप, ओ माय गॉड, खुद से बात करना। वो द ट्रेलर माय गॉड, हाँ तुमने कह रहा था कि पता करना बहुत मुश्किल होगा इस मूवी में कि लाइक परफॉर्मेंस बढ़िया कौन दे रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी हमें विजय सेतुपति की तरफ से भी मिल रही है। वो तो हमने लाइक उनकी मूवी देखा, बेहतरीन एक्टर जो फैजल है, वो भी फैजल फवाद नाम से मिक्स कर, फहद फैजल, हाँ वो भी बेहतरीन है। और यहाँ पे जो कमल हसन की इंटेंसिटी देखने को मिल रही है आखिरी के कुछ सीन्स में, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन यार, काफी थ्रिलिंग इंटेंस और एक्शन से भरपूर। एंड इसीलिए ये मूवी मेरे को लगता है इतनी ज्यादा हिट हुई है, क्योंकि यू नो तीन तीन यू नो
जिस तरह से मूवी लग रही है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रही है. मेबी आई डोंट नो इसमें क्या है, ये मूवी डेफिनेटली हमने देखनी है. बिल्कुल बहुत ही ज्यादा हिट हुई है और हमसे स्किप हो गई. एंड यू नो ये मूवी शायद से थिएटर में देखने वाली मूवी थी, जिस तरह का फील आ रहा है जिस हिसाब से लाइक जो शॉट्स डायरेक्ट किए हैं एक्शन के बहुत ही ज्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं. बहुत ही ज्यादा अच्छे स्पेशली गन्स शॉट जो यू नो निकाले स्लो मोशन में धार करके बहुत ही ज्यादा बढ़िया मजा आने वाला है. और ये मूवी डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग होगी. और स्टोरी भी इसकी काफी ज्यादा ग्रिपिंग लग रही है, क्योंकि देखो पूरा ट्रेलर देख लिया वो भी हिंदी में था, लेकिन स्टिल समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि स्टोरी किस हिसाब से है, कौन यहाँ पे लाइक पॉजिटिविटी की तरफ है, कौन नेगेटिविटी की तरफ, कौन हीरो है, कौन विलन है, थोड़ा समझना मुश्किल है. क्योंकि जो तीनों ही कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, लाइक एक टाइप के बराबर की ही वैल्यू दी गई है ट्रेलर में. सो आई थिंक स्टोरी काफी ज्यादा ग्रिपिंग है. जो फैजल है शायद से मुझे लगता है कि वो पुलिस में है या इस तरह का सीन है, वो थोड़ा सा गुड साइड पे है जिस तरह से यू नो ट्रेलर में लग रहा है. जरूरी नहीं है कि पुलिस में हम तो गुड साइड पे ही हूँ, ये बात भी है. वैसे लेट्स सी, वो तो मूवी में पता चलेगा कि किस तरह की ये मूवी थी. और अभी इतना मूवी ने कमा लिया तो ऑब्वियसली स्टोरी तो इसमें बढ़िया है, एटलीस्ट कोई डाउट नहीं है. एक्शन तो बढ़िया हो तो जस्ट यहीं पे ही देख लिया, इतना भी अगर मूवी में हो तो वो भी बहुत है. सो परफॉर्मेंसेस तीनों की बेहतरीन होने वाली है. ओवर एंड ओवरऑल टोटली ब्लॉकबस्टर हो चुकी है मूवी, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मूवी कैसे होने वाली है. मूवी अच्छी है, बस देखने की देर है. सो लेट्स सी कब हम इसको देखते हैं. एंड तब तक के लिए आप जो है वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिए लाइक. स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ. जय.